हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडी जायका। तो आज मैं लेके आई हूँ लिसोड़े का अचार रेसिपी। तो यहाँ मैंने ये लिसोड़े लिए हैं बिल्कुल अच्छे से, और इन्हें हमें अपने इनके क्राउन के ऊपर से काट लेना है। इनका जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो हमें रखना है। तो इनको सारे को हम अलग कर लेंगे और साफ़ कर लेंगे, धुल लेंगे इन्हें। और यहाँ मैं ले रही हूँ एक पतीले में पानी, जिसको हम गर्म कर लेंगे। और इसमें डालेंगे हम हल्दी और नमक। तो अच्छे से गर्म कर लेना है पानी को, और इसके अंदर डाल देंगे हम अपने जो तैयार किए हुए निचोड़े। तो इन्हें हम 2 से 3 मिनट तक उबालेंगे, और उबलने के बाद हम इन्हें देखिए काफ़ी अच्छे से उबल गए। तो इन्हें हम चेक कर लेते हैं, हल्का सा दबाव डालेंगे तो हल्के से ये दबेंगे। बस यही स्टेज चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं उबालना है। और इनको हम 2 से 3 घंटे कड़ी धूप में सुखा देंगे कपड़े के ऊपर। तो यहाँ बना रही हूँ मैं एक मसाला। तो इसके लिए मैंने लिए मेथी, सौंफ, काली मिर्च और लौंग। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से ले लीजिए। और 2 चम्मच लिया है मैंने अजवाइन। तो यहाँ मैंने लिए हरी वाली इलायची 4 से 5। तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं, तो यहाँ मुझे पसंद है इसलिए मैंने डाला है इसको। तो इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे, हल्का सा इनका मॉइस्चर निकल जाए और हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो ड्राई रोस्ट करने के बाद इन्हें हम ठंडा करके पीस लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए, तो इन्हें हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दूसरी कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल हम अच्छे से गर्म करना है, जिससे इसकी स्मेल निकल जाए। तो अच्छे से हम इसको गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, ज़्यादा गर्म करके नहीं रखना है, और गैस बंद कर देंगे। और इसमें डाल देंगे हम तेज़पत्ता, जीरा और काली जीरी जो आती है, और हींग डाल देंगे, जो कलौंजी बोलते हैं उसको। और यहाँ मैं वो जो मसाले हमने तैयार करके रखे थे उन्हें भी डाल देंगे। हल्का सा इन मसालों को इस तेल के अंदर पकाएंगे। और यहाँ मैं डाल रही हूँ पीली वाली सरसों, और ये काली वाली सरसों। तो आपके पास जैसी भी है सरसों, जो राई बोलते हैं उसे डाल दीजिए, पीली है या काली वाली है। तो मैंने दोनों थी मेरे पास, तो मैंने दोनों डाल दी। और ये सारे मसाले इसी ऑयल के साथ पक जाएंगे अच्छे से। तो और यहाँ डाल देंगे हम अपने तैयार करे हुए लिसोड़े। बाकी के जो मसाले हैं वो हम अब डालेंगे, उधर तेल के अंदर नहीं डाले थे, उन्हें हम कच्चा ही डालेंगे। तो यहाँ डालेंगे हम लाल मिर्ची। तो अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा आप लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए। और यहाँ डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक। तो नमक और ये सारी चीज़ें अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर लीजिए, डाल सकते हैं इनको। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी, और अच्छे से हम इस जो अचार है उसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करके इसको रखना है। और जो तेल हम जो सरसों का तेल हमें और डालना पड़ेगा जब हम इसको बर्तन में डालेंगे, तो और गर्म करके तेल उसे ठंडा करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे। अभी तो ये बहुत थोड़े से तेल में हमने इसको बना के तैयार किया है। इन सारे मसालों को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, और 4 से 5 घंटे तक इसी तरह से हम रखेंगे इनको और चलाते रहेंगे बीच बीच में। ये अपना अचार निचोड़े का बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। 4 से 5 दिन मैं ये खाने के लिए तैयार हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।